रिसेशन दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसको आपने पिछले कई दिनों में बहुत बार सुन लिया होगा। पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया हुआ है और इस मंदी में हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी पीछे नहीं है। जी हाँ, यादों की अमेरिका जैसा देश भी इस मंदी में कंगाल होने की स्थिति में आ गया है। वहीं यूरोप के भी बहुत से देश इस वक्त इस मंदी का शिकार हो रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर इस मंदी का कोई असर नहीं होगा, बल्कि इस दौर में भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, क्यों भारत पर इस क्राइसिस का असर नहीं होगा, आइए चलिए जानते हैं हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कोरोना के बाद से महंगाई और बेरोजगारी 2022 की सबसे बड़ी चिंताएं थी, जिनका असर साफ तौर पर 2023 में भी नजर आ रहा है और इसी के साथ नजर आ रही है एक खतरनाक लंबी मंदी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंदी आखिर होती क्या है और ये कैसे आती है। जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम दे देते हैं। आसान भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। देश की जीडीपी यानी कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के आंकड़े ही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है या मंदी के बादल मंडराने लगे हैं। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार की जो मंदी है वो बहुत लंबी होगी और बहुत टाइम तक चलेगी। दोस्तों, यहाँ तक कि दुनिया में 2008 की आर्थिक मंदी का जो दौर था, इस बार का दौर उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस बार की मंदी दुनिया को साल 1970 के दौर जैसी कठिन आर्थिक स्थिति की ओर लेकर जा रही है। दरअसल इस वक्त महंगाई का असर हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया यानी अमीर देशों के सेंट्रल बैंक नोट छाप छाप कर महंगाई को काबू करने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वहीं उनकी सरकारों पर कर्ज का बोझ भी इतना बढ़ चुका है कि महंगाई अभी तक काबू में नहीं आई है, तो आगे इसे रोकने के लिए उनके पास हथियार नहीं बचे हैं। वहीं दोस्तों, इससे भी बड़ा खतरा ये है कि कम महंगाई के दौर में इन देशों में काम करने वाले लोगों की सैलरी ना जाने कब से नहीं बढ़ी है या फिर बहुत कम बढ़ी है, और अब महंगाई बढ़ने के साथ साथ इन सभी को अपना हाल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला दिख रहा है। वहीं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज तक भी अपने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने में लगी हुई है, और यही वजह है कि गूगल ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी लोगों को अपने यहाँ से निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़तालें चल रही हैं, और अगर तनख्वाह बढ़ाई गई तो भी दोहरा नुकसान सामने आ रहा है, जिससे सरकारों और कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ बाजार में पैसा आने से महंगाई की आग में पेट्रोल भी बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों, इन सब की जो असली वजह है वो है साल 2020 का कोरोना। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संकट से बाहर निकलने की शुरुआत 2021 में ही हो गई थी और उम्मीद थी कि 2022 में दुनिया इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी और सभी देशों की इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन 2020 में लगभग पूरे साल कोरोना लौट लौट कर डराता रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले ने तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। याद रखिए दोस्तों, इस बार के हालात तो इतने ज्यादा खराब है कि अब इसे क्राइसिस नहीं बल्कि पॉली क्राइसिस कहा जा रहा है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर पॉली क्राइसिस होता क्या है। जब एक साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के ऐसे खतरे या समस्याएं सामने आने लगे जो एक साथ मिलकर दुनिया को घेरे में ले रही हो, तो उसे ही पॉलो क्राइसिस कहा जाता है। यह मुसीबत कहीं कम तो कहीं ज्यादा होगी, और जहाँ से पैदा हो रही है हो सकता है ये वहाँ ज्यादा असर भी डाल रही हो, लेकिन इसका असर हर जगह दिखेगा। इस तरह से तरक्की की रफ्तार तो धीरे होगी ही, इसी के साथ ही कई और मुसीबतें भी देश में आन पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक हो या फिर मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दुनिया भर में मोटा पैसा लगाने वाले निवेश बैंकर और ब्रोकर हो या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अर्थशास्त्री, इन सभी को अब दुनिया की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। खासकर अमीर देशों का हाल काफी नाजुक है। इन सब के साथ ही दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने इस साल दुनिया की ग्रोथ का अनुमान पिछले साल के लिए दिए गए 3.1% के अनुमान से भी काफी घटाकर 2.1% कर दिया है। हालांकि हमारे देश भारत से ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर पश्चिमी दुनिया पिछले 40 साल से चल रही एक रवायत को तोड़कर अगले रास्ते पर बढ़ चली है, क्योंकि इन देशों में पिछले 40 सालों से इकोनॉमी बहुत ही स्मूथ चल रही थी, यानी बैंक लोन देते वक्त अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाते थे और उतनी महंगाई भी नहीं थी, और इसी के साथ बाजार में कैश फ्लो भी आसानी से चल रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मंदी भारत के लिए कैसे हालात पैदा कर सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध, दुनिया भर में सप्लाई चेन की रुकावटें, कमोडिटी के दाम, खासकर कच्चे तेल के दाम, और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का आने का डर,
यह सब मिलकर इतना तो तय कर रहे हैं कि 2023 के साथ भारत एक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट्स और भारत के सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि मुसीबत, परेशानी और तकलीफों के बावजूद भारत के लिए ये साल काफी अच्छी खबरें ला सकता है। हालांकि 2022 के आखिरी में CMI की रिपोर्ट डराने वाली खबरें लेकर आई कि बेरोजगारी की दर 16 महीने में सबसे ऊपर पहुंच गई है। उधर चीन से भी इंडिया का ट्रेड घट चुका है। ऐसे में भी इंडिया के लिए मुसीबत हो सकती है। जैसे दोस्तों, जिस तरह से चीन ने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर अपनी अर्थव्यवस्था को पंख लगाए थे, अब भारत उसी तरह की तरक्की के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी, EPO और KPO जैसे कामों से भारत अभी ऑफिस टू द वर्ल्ड तो कहलाता ही है, लेकिन अब वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर है। कई सालों से भारत में सरकार आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद तैयार कर रही है, जहां पर सारे प्रोडक्ट्स देश में ही तैयार होंगे ताकि भारत को किसी भी देश पर निर्भर ना होना पड़े। ऐसे में भारत इन दिनों न सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, बल्कि भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर में आउटसोर्सिंग का कारोबार अभी के सालाना 180 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 तक हर साल 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे में भी उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, इस वक्त भारत उन देशों में ही है जिन्हें पहले विकासशील देश कहा जाता था और अब इमर्जिंग मार्केट यानी उभरता हुआ बाजार कहा जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, यानी ब्रिटेन से आगे निकल चुकी है। जल्द ही हम फ्रांस और जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो जाएंगे। $4 trillion यानी 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस बार भले ही भारत पर मंदी का असर धीमा पड़े या फिर बहुत कम पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले मंदी का सामना नहीं किया है। भारत में कब कब आई है मंदी? आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 बार मंदी देखी है। ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई थी। साल 1957 से 1958 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट दर्ज की थी, जब GDP की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इस साल GDP की ग्रोथ रेट 1.2% रिकॉर्ड की गई थी। इसके पीछे की वजह इंपोर्ट बिलों में भारी बढ़ोतरी थी, जो 1955 और 1957 के बीच 50% से ज्यादा बढ़ गया था। फाइनेंशियल ईयर 1965 से 1966 में भयंकर सूखे के कारण भारत का GDP ग्रोथ फिर माइनस में रहा। इस साल ये -3.66% ही था। वहीं 1973 की मंदी की वजह बना तेल संकट। पेट्रोलियम उत्पादक अरब देशों के संगठन OPEC ने उन तमाम देशों के तेल निर्यात करने पर रोक लगा दी थी जो योम के पूर युद्ध में इसराइल के साथ थे। इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। 1972 से 73 में भारत की GDP की ग्रोथ रेट -0.3% रह गई थी। आखिरी यानी के साल 1980 में आई मंदी की वजह बनी ईरानी क्रांति। जी हां दोस्तों, ईरानी क्रांति के कारण दुनिया भर में तेल उत्पादन को बड़ा झटका लग गया था। तेल इंपोर्ट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। भारत के तेल इंपोर्ट का बिल भी करीब दोगुना हो गया था और भारत के निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई थी। साल 1979 से 80 में भारत की GDP ग्रोथ -5.2% रही थी। साल 2020 में जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, तब एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि अभी तक दुनिया में आई मंदी भारत को इतना हिला नहीं पाई है जितना कि बाकी देशों को। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा दोस्तों कि क्या भारत पर इस मंदी का असर क्या पड़ेगा या फिर भारत को इस दौर में और ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाने का मौका मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।